हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चर सेल ए पेयर ऑफ बुक्स टू ए वूल सेलर डीलर एट ए प्राइस ऑफ 23%। द वूल सेलर सेल द सेम टू द रिटेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। द रिटेलर इन टर्न सेल्स देम टू ए कस्टमर फॉर 80 rupees। देयर वाई अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 25%। द कॉस्ट प्राइज ऑफ मैनुफैक्चर इज। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, तीन लोग हैं। एक जो मैनुफैक्चर है वो 23% प्रॉफिट ले रहा, होल सेलर है वो 25% का प्रॉफिट ले रहा, और जो रिटेलर है वो भी 25% का। और इतने प्रॉफिट होने के बाद जो लास्ट में वैल्यू बचती है वो है 80, जो कस्टमर 80 rupees में ले रहा है। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे कहानी पूरी सेलिंग प्राइज और कॉस्ट प्राइस की है, मतलब कितने में उसने ख़रीदा कितने में बेचा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है SP लिख लेते हैं, 80 rupees है। ये किसका है दोस्तों? ये है रिटेलर का। 80 rupees में बेचा उसने और प्रॉफिट कितना लिया उसने? 25%। तो मतलब 25% प्रॉफिट लिया, मतलब 125% किसके बराबर है? 80 rupees के। हमें 100% निकालना है, उसका प्रॉफिट इसमें से माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका कॉस्ट प्राइस जिस पे उसने ख़रीदा है, जो कि सीपी किसका? ये रिटेलर का। आर लिख लेता हूँ मैं शॉर्ट में, ये आ जाएगा 80 / 125 × 100। तो यहाँ पे ये 64 आ जाता है, जो कि है कॉस्ट प्राइस किसका? ये है रिटेलर का। लेकिन जो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस है, जो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस है वो होल सेलर का सेलिंग प्राइस SP के बराबर है। तो हमारे पास SP आ गया, किसका? ये SP आ गया, ये आ गया 64 होल सेलर का। अभी होल सेलर का कॉस्ट प्राइस निकालना, चलो होल सेलर का CP लिख लेते हैं। तो जो होल सेलर, उसने कितना प्रॉफिट लिया यहाँ पे? 25% उसने एक रिटेलर को बेचा होल सेलर ने, तो 25% का प्रॉफिट लिया यहाँ पे। तो चलिए ये कॉस्ट प्राइस जो होल सेलर का है वो निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस हमारे पास, ये होल सेलर 64 में वो बेच रहा है और उसने ख़रीदा कितने में? 25% प्रॉफिट हुआ उसको। तो चलिए यहाँ पे उसका हम 64 / 125 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसको 25% है, तो 100 में 25 ऐड करोगे तो 125 हो जाता है × 100। तो आप देख सकते हो जो वूल सेलर है उसका कॉस्ट प्राइस, 51.2 है। तो जो उसका कॉस्ट प्राइस है किसका? वूल सेलर का। यहाँ पे W लिख लेते हैं, वूल सेलर कॉस्ट प्राइस हो गया। ये किसके बराबर है? ये जो मैन्युफैक्चरर है उसके सेलिंग प्राइस के बराबर। मैन्युफैक्चरर MSP मतलब मैन्युफैक्चरर सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस मिल गया हमें, कितना आ गया सेलिंग प्राइस? 51.1 है मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस। अभी ये जो स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर है उसने 23% का प्रॉफिट लिया है इसको बेच के। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया इसका 51.1, और इस पे ये जो बेचा है 51.1 में मैन्युफैक्चरर ने होल सेलर को, तो 23% का प्रॉफिट लिया इसमें। तो इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते मैन्युफैक्चरर CP निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? 51.1 / इसका 23% प्रॉफिट, इसलिए 123 ले लेते हैं, 100 में 23 ऐड कर लेते हैं, और × 100। तो देख सकते हो जो इस क्वेश्चन है इसका आंसर आ गया यहाँ पे हमारे पास 41.5447154। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है, ये जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है मैन्युफैक्चरर को कितने में कॉस्ट प्राइस कितने में पड़ा वो, तो यहाँ पे 41.5 इसका आंसर आ जाता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।